हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अर्चना संजय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक 12 से 18 महीने के बच्चे के पूरे दिन के डाइट रूटीन के साथ कुछ हेल्दी और बच्चों के वजन बढ़ाने वाली फूड रेसिपी और स्नैक्स आइडिया शेयर कर रही हूँ, जो कि इस एज में बच्चों के ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। 12 टू 18 मंथ के बच्चों को पूरे दिन में 3 मील जो कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के रूप में देने के साथ 2 से 3 बार हेल्दी स्नैक्स खिलाए, साथ में कम से कम 16 औंस यानी कि अराउंड 500 मिलीलीटर गाय का दूध, फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क पिलाना चाहिए। और इस एज ग्रुप के बच्चों को हाइड्रेट रखने के लिए पूरे दिन में कम से कम 1 लीटर तक पानी जरूर पिलाएं। आगे हम एक 12 से 18 महीने के बच्चे के पूरे दिन की डाइट के बारे में जानते हैं। बच्चे के सुबह उठने के बाद सबसे पहले उसे गुनगुना पानी पिलाएं, ताकि बच्चे के बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए और बच्चा एक्टिव फील करे। साथ ही गुनगुने पानी पीने से बच्चे की बॉल मूवमेंट भी अच्छे से होती है, इवन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। इसके बाद बच्चे को दूध पिलाएं। 12 महीने के बाद आप बच्चे को गाय का दूध पिलाना शुरू कर सकते हो। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी बॉटल की हेल्प से फॉर्मूला मिल्क पी रहा है, तो बच्चे के फॉर्मूला मिल्क में आप 20% गाय का दूध मिलाकर बच्चे को पिलाना शुरू करें। धीरे धीरे गाय के दूध की क्वांटिटी बढ़ाते रहे, जब तक आपका बच्चा पूरी तरह से गाय का दूध पीने लग जाए। या दूसरा तरीका ये भी है कि आप बच्चे को दिन में 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा गाय का दूध कप में लेकर अपने हाथ से पिलाने की कोशिश करें। शुरू में शायद बच्चा बिल्कुल भी दूध ना पीना चाहे, पर अगर आप सेम टाइम पर एवरीडे बच्चे को कम से कम 2 से 3 औंस गाय का दूध कप में ऑफर करोगे, तो इवेंचुअली धीरे धीरे बच्चे को दूध पीने की हैबिट लग जाएगी। दूध पीने के लगभग 1 घंटे बाद यानी सुबह 9 से 10 बजे के बीच बच्चे को उनका पहला मील यानी कि ब्रेकफास्ट खिलाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में आज हम मीठे ओट बना रहे हैं, जिसमें हम स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद भी डालेंगे। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने स्वीट पोटैटो का 1/4 पार्ट लिया है, जिसे हम अच्छी तरह धोकर छीलकर ग्रेट कर लेंगे। अब एक बर्तन में आधी छोटी चम्मच घी ले लें। घी के गर्म होते ही इसमें ग्रेट किए हुए स्वीट पोटैटो डालें। यहाँ मैंने लगभग आधा कप ग्रेट किए हुए स्वीट पोटैटोज लिए हैं। इन्हें घी में 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भूनें। इसके बाद आप इसमें 1.5 कप यानी कि 1 और आधा कप दूध डाल दें। दूध डालकर अच्छी तरह चलाएं और इसे धीमी आंच पर ढककर पकने दें। बीच बीच में चलाते हुए पकाते रहे, ताकि दूध या स्वीट पोटैटो बर्तन के तले पे ना चिपके। जब तक हमारे स्वीट पोटैटो दूध में पक रहे हैं, हम यहाँ ओट और नट्स को भी भून लेंगे। यहाँ मैंने 1/4 कप ओट और 3 से 4 बादाम लिए हैं। यहाँ आपको ओट और नट धीमी आंच पर गोल्डन कलर होने तक भूनना है। ब्रेकफास्ट को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें कुछ और भी नट्स ले सकते हो, जैसा कि यहाँ मैंने 3 से 4 बादाम और कुछ काजू लिए हैं। आप इसमें 2 से 3 पिस्ता या अखरोट भी डाल सकते हो। अब इन सभी को अच्छी तरह 3 से 4 मिनट तक भुनने के बाद मिक्सर की हेल्प से इनका फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ आज केवल 2 बड़े चम्मच पाउडर ही यूज करने वाली हूँ। बाकी के बचे हुए पाउडर को एयर टाइट डब्बे में बंद कर अगली बार बनाने के लिए रख दे। आप 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए इस तरह ओट और नट्स के पाउडर बनाकर रख सकते हो। और 1 कप दूध में 2 से 3 चम्मच पाउडर को केवल 2 से 3 मिनट तक पकाकर बच्चे को खिला सकते हो। दूध और स्वीट पोटैटोज को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब इन्हें हम चेक कर लेते हैं। यहाँ हमारे स्वीट पोटैटोज अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं, यानी कि पक चुके हैं। मैं यहाँ स्पून की हेल्प से स्वीट पोटैटो को थोड़ा सा मैश कर रही हूँ, ताकि छोटे बच्चे आसानी से खा पाएं। अब आप स्टोव स्लो कर दें और दूध में 2 बड़े चम्मच ओट और नट का पाउडर जो हमने अभी बनाया है, उस पाउडर को दूध में डालकर उसे अच्छी तरह मिलाएं। अब स्टोव बंद कर दे। अच्छी तरह मिलाने से स्वीट पोटैटो पूरी तरह से मैश हो जाते हैं और आप देख सकते हो कि ओट भी दूध में अच्छी तरह मिल गए हैं। आपको यहाँ किसी भी तरह के लम्स नहीं दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि आपके सुपर हेल्दी ओट्स बनकर तैयार है। अब मिठास के लिए यहाँ मैं 1/2 चम्मच देसी गुड़ गरम ओट में डालकर मिला रही हूँ। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हो, लेकिन गुड़ बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसलिए हो सके तो बच्चों के फूड में गुड़ का ही उपयोग करें। लीजिए, स्वीट पोटैटो और ओट से बने ये हेल्दी ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है। ओट्स में काफ़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है, साथ ही स्वीट पोटैटो में आयरन के साथ बच्चों का वजन बढ़ाने और उनके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी फैट्स भी पाया जाता है। तो ये रेसिपी आप अपने बच्चों को जरूर बनाकर खिलाएं, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ब्रेकफास्ट करने के लगभग 1 घंटे बाद यानी कि अराउंड 11 बजे बच्चे को दिन का पहला स्नैक्स खिलाना चाहिए।
इस समय मोस्टली बच्चे को फ्रूट्स ऑफर करें। पूरे दिन में बच्चे को केला एक बार जरूर खिलाएं। केले में काफी मात्रा में कार्ब और कैलोरी पाई जाती है, प्लस पोटेशियम पाया जाता है, इसीलिए केला खाने से बच्चे का वजन तेजी से बढ़ता है। आप चाहे तो बच्चे को केला कट करके खिला सकते हो, या फिर इस तरह फोर्क या स्पून की हेल्प से मैश कर बच्चे को स्पून से खिलाएं, या अपने हाथों से मैश कर थोड़ा थोड़ा केला दिन में एक बार बच्चे को जरूर खिलाएं। इसके अलावा भी आप बच्चे को मैंगो, चीकू, पपाया, मेलन, स्ट्रॉबेरी और अंगूर जैसे सॉफ्ट फ्रूट्स भी खिला सकते हो। दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच बच्चे को लंच कराना चाहिए। स्नैक्स और लंच के बीच कम से कम 1.5 से 2 घंटे का डिफरेंस रखें, ताकि बच्चा लंच के समय तक भूखा हो, जिससे वो लंच अच्छी तरह खा लेगा। लंच में हम सब्जी और दालों से भरपूर हेल्दी खिचड़ी बना रहे हैं, जिसके लिए यहाँ मैंने 1/4 कप मसूर की दाल और 1/4 कप चावल लिए है। खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने सब्जियों में आलू, स्वीट पोटैटो यानी कि गंजी, कद्दू, टमाटर, गाजर और हरे बीन्स लिए हैं। आप सब्जियाँ किसी भी क्वांटिटी में ले सकते हो। ये सारी सब्जियाँ खिचड़ी बनाते समय अच्छी तरह गल जाती है। यहाँ मैंने सारी सब्जियाँ 2-2 स्पून लिए हैं। खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ मैं इंस्टेंट पॉट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो खिचड़ी कुकर में भी बना सकते हो। सबसे पहले आप कुकर या किसी बर्तन में 1/2 चम्मच घी डालें। जब घी गर्म हो जाए तब उसमें थोड़ा सा जीरा और चुटकी भर हींग डालें। अब ये सारी सब्जियां एक एक कर घी में डाल 2 मिनट तक भून ले। आपको ये सब्जियां ज्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस इन्हें घी में थोड़ी देर के लिए भून लेना है। सब्जी के भून जाने पर आप इसमें 1/2 चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डाल अच्छी तरह मिला लें। अब कुकर में धुले हुए दाल और चावल को भी डाल इन्हें सब्जियों में मिला लें। दाल और चावल दोनों को मिलाकर हमने 1/2 कप लिया है, तो खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ हम 1/2 कप दाल और चावल के मिक्सर में लगभग 3 कप पानी डालकर मीडियम आंच पर 3 सीटियां ले लेंगे। अगर आप इंस्टेंट पॉट यूज कर रहे हो तो इसे आप 3 मिनट के लिए ही कुक करें। लीजिए, हमारी खिचड़ी बनकर रेडी है। इसे हम मैशर की हेल्प से थोड़ा मैश कर लेते हैं, ताकि हमारी सारी सब्जियां अच्छी तरह से गल जाए और बच्चे को खाने में आसानी होगी। 12 से 18 महीने के बच्चे को ये खिचड़ी आप 1/2 से लेकर 3/4 कप तक खिला सकते हो। खिचड़ी में 1/2 चम्मच देसी घी जरूर डालकर बच्चे को खिलाएं। इससे खिचड़ी का स्वाद भी बढ़ेगा और ये खिचड़ी बच्चे के लिए और भी हेल्दी हो जाएगी। दोपहर की नैप लेने के बाद बच्चे को फिर से दूध पिलाएं। 12 से 18 महीने के बच्चे को आप स्टिल ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क पिला सकते हो, पर इनके साथ होल काउ मिल्क यानी कि गाय का दूध भी बच्चे को जरूर इंट्रोड्यूस करें। अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीता है तो दूध के अलावा आप बच्चे को अदर डेयरी प्रोडक्ट भी खिला सकते हो। अराउंड इवनिंग के 4 से 5 बजे तक बच्चे को दिन का दूसरा स्नैक्स खिलाना चाहिए। स्नैक्स में यहाँ मैं स्मूदी बना रही हूँ। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप पका हुआ केला, 1/2 कप ब्लूबेरीज और लगभग 3/4 कप दही लिया है। अब इन तीनों को मिक्सर में अच्छी तरह पीस ले। आपकी स्मूदी बनकर तैयार है। हमने यहाँ पका हुआ केला स्वीटनेस के लिए यूज किया है। अगर आपको लगे कि स्मूदी इनफ मीठी नहीं बनी है तो इसमें आप 1/2 छोटी चम्मच शुगर भी डाल सकते हो। अगर आप चाहे तो बच्चे को ये स्मूदी आप स्पून से खिलाए या सीपी कप में भरकर बच्चे को स्ट्रॉ की हेल्प से ये स्मूदी पीने के लिए दे सकते हो। अगर आपका बच्चा स्मूदी पीना पसंद नहीं करता है तो आप एक होल व्हीट या मल्टीग्रेन ब्रेड ले। अब इस ब्रेड पर पीनट बटर, आमंड बटर, चीज स्प्रेड, फ्रूट जैम या प्लेन अमूल बटर लगाकर और ब्रेड के किनारे कट कर ये ब्रेड आप बच्चे को खाने के लिए दे सकते हो या कोई फ्रूट्स भी ऑफर कर सकते हो। इवनिंग में अराउंड 7 से 8 बजे तक बच्चे को डिनर खिला देना चाहिए। डिनर में आज हम बच्चों के लिए पालक वाली दलिया बना रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून दलिया और 2 टेबलस्पून छिलके वाली टूटी मूंग की दाल ली है। आप इसकी जगह बिना छिलके वाली मूंग की दाल भी ले सकते हो, यानी कि यहाँ आपको दाल और दलिया बराबर की क्वांटिटी में लेना है। पालक वाली दलिया बनाने के लिए यहाँ मैंने 1/4 कप पालक ले लिया है, जिसे मैंने धोकर मिक्सर में पीस लिया है। अब हम पालक वाली दलिया बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में 1/2 चम्मच घी ले। घी के गर्म हो जाने पर जीरा का तड़का लगाएं। अब दलिया और दाल को अच्छी तरह धोकर घी में 2 से 3 मिनट के लिए भून ले। ये सारा प्रोसेस आप कुकर में भी कर सकते हो। कुकर में ये दलिया आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाती है। अब 2 से 3 मिनट तक दलिया और दाल घी में भूनने के बाद अब हम दलिया में पालक की प्यूरी भी डाल देते हैं।
इन्हें धीमी आंच पर अच्छी तरह मिलाकर अब इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी, काली मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक डालकर मिला लेते हैं। अब हमें दलिया बनाने के लिए इस बर्तन में या कुकर में 2 कप पानी डालना है। मैंने यह सारा प्रोसेस आपको इस बर्तन में दिखाकर एंड में कुकर में दलिया और 2 कप पानी डाल कुकर की 4 सीटियां ले ली है। हमारे कुकर में कोई भी चीज भुनने पर वो बहुत ही जल्दी कुकर के तले में चिपकने लगती है, इसीलिए मैं कुकर में कोई भी चीज नहीं भूनती हूँ। बट अगर आपके कुकर की क्वालिटी अच्छी है तो आप कुकर में ही दलिया बनाएं। कुकर में 4 सीटियां लेने के बाद दलिया बनकर रेडी है। दलिया एकदम परफेक्ट बनी है, इसे मैश करने की भी जरूरत नहीं लग रही है। इस दलिया में आप थोड़ा सा घी ऊपर से डालकर बच्चे को खिलाएं, बच्चे को ये पालक वाली दलिया जरूर पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेस्ट करना है आपको।